First of all, I would like to thank our principal sir and Soni sir who has imparted me this golden opportunity to put forth my views regarding cleanliness drive. One of the famous essays is J.B. Priestley. एक महान महान निबंधकार हुए हैं J.B. Priestley. उनका कहना था There are only two kinds of persons who are fool. सिर्फ दो तरह के लोग हैं जो मूर्ख होते हैं. First, who gives lecture, and second is who listens lecture. वो लोग जो लेक्चर दें और वो लोग जो लेक्चर सुने. Rest of the things are there in between them. So I am not here to bore you. With my lectures, this is just an opportunity to enjoy the season of raining. Soni sir, सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक हम स्वच्छता पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं हमने केंद्रीय विद्यालय धार में. और ये जो पखवाड़ा है ये हम लगातार 2-3 साल से मनाते आ रहे हैं. लेकिन क्या ये पखवाड़ा ये कहना चाहिए ये जो दिन हमने चुना है जो 15 दिन हमने सीमित रख रखे हैं क्या सिर्फ यही 15 दिन हमारे जो अंदर स्वच्छता की जो भावना है उसको जागृत करने के लिए उसको उजागर करने के लिए काफी है. मेरे ख्याल से तो सिर्फ 15 दिन हम सिर्फ यहाँ आकर कुछ भाषण देने स्वच्छता के ऊपर बच्चे आकर कुछ बोल दें और बस उस 15 दिन के बाद हम उन सब चीजों को एक तरफ फिर दरकिनार कर देते हैं. सही मायने में स्वच्छता की जो परिभाषा है वो क्या है कोई बताएगा स्वच्छता का मतलब क्या है. जोर से बोलो मुझे सुनाई नहीं देगा. साफ सफाई. सही मायने में साफ सफाई हम ये देख लेते हैं कि कचरा पड़ा है इसको साफ कर दो ये हमारा मकसद है स्वच्छता का. साफ सफाई मौसम में ठंडक लाने के लिए पानी गिरता है वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए और नीतू मैडम की आवाज आती है स्वच्छता के विचार को और स्वच्छ बनाने के लिए. थैंक यू मैम. इसके बाद मैं स्वान खान सर को आमंत्रित अभी हमने स्वच्छता के बारे में व्याख्यान सुना. सभी टीचर्स ने अपने अपने विचार व्यक्त किए. मैं विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं कि स्वच्छता जो है पहले आप स्वच्छता अपने आप से शुरू कीजिए. आप देखिए आपका यूनिफॉर्म कैसा है आपके नाम बने हुए हैं नहीं है. जब आप अपने आप स्वच्छ रहेंगे उसके बाद ही आप परिवार को भी स्वच्छ करेंगे उसके बाद समाज के नंबर आता है समाज को स्वच्छ करेंगे उसके बाद देश का नंबर आता है देश को भी स्वच्छ करेंगे. तो ये पहले अपने आप से शुरुआत तो कीजिए. तालियों में ताली स्काउट गाइड की ताली. तालियों में ताली स्काउट गाइड की ताली और वाड़ियों में वाड़ी हमारे खानसर की वाड़ी. वाड़ियों में वाड़ी हमारे खानसर की वाड़ी और उनकी वाणी से हमने उनकी बात को है मानी. उनकी वाणी से हमने उनकी बात को है मानी. इसी के साथ में अंतिम छोर पर पहुंचते हुए हमारे बीच हमारे शिक्षक साथी पूजा मैम को यहां पर आमंत्रित करता हूं. गांधी जी का सपना था जैसे बताया गया तो दो सपने थे गांधी जी के. एक तो भारत को
स्वच्छ देखने का सपना उनका सफल नहीं हुआ और उसे सफल बनाने के लिए ये योजना चलाई गई। दूसरा रीजन था, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री फॉरेन कंट्री गए, विदेश गए, तो उनसे विदेश में विदेश मंत्री ने कहा कि आपका भारत बड़ा अच्छा है, बड़ा संस्कृति बहुत अच्छी है, सभ्यता बहुत अच्छी है, उन्हें बहुत प्राउड हो जाता है। जब उनसे बोला गया लेकिन आपके भारत में ना गंदगी बहुत है, उस टाइम में उनके पास शब्द नहीं थे कि वो क्या बोले। जब वो वहां से आए उन्होंने बात की और इतिहासों में इतिहास भारत का इतिहास, इतिहासों में इतिहास भारत का इतिहास, पूजा में जब कोई बात बोले तो बन जाती है वो बहुत खास, पूजा में जब कोई बात बोले तो बन जाती है वो बहुत खास। और वो खास बात है स्वच्छता के लिए हमें जागरूक होना, स्वच्छता के लिए हमें जागरूक होना। इन सभी शिक्षक साथियों का मैं तहे दिल से पूरे मन से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इनके लिए क्योंकि खानसर यहाँ बोल रहे हैं, तो उनके लिए स्काउट फ्लैग जो बनता है, स्काउट फ्लैग जो